ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। श्री राम कृष्ण मणि से कह रहे हैं, उनकी कृपा होने पर फिर कोई भय की बात नहीं रह जाती। पुत्र आदि पिता का हाथ पकड़कर चलें तो गिर सकते हैं, परंतु यदि पिता पुत्र आदि का हाथ पकड़े तो फिर गिरने की कोई संभावना नहीं है, कोई भय नहीं है। वे यदि कृपा करके संशय दूर कर दें और दर्शन दे दें तो फिर कोई दुख नहीं है, परंतु उन्हें पाने के लिए खूब व्याकुल होकर पुकारना चाहिए, साधना करनी चाहिए, तब उनकी कृपा होती है। पुत्र को दौड़ते हाँफते देखकर माता को दया आ जाती है। माँ छिपी थी, सामने प्रकट हो जाती है। उनकी कृपा होने पर फिर कोई भय नहीं रह जाता। बात समझ आती है कि जो आज जीवन में घट रहा है वही उनकी कृपा है। इन्हीं परिस्थितियों में, इसी घर में, इन्हीं व्यक्तियों के साथ, संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ जो ये जीवन दिया गया है वो जगाने के लिए दिया है उन्होंने। द्वंद्व, सुख दुख, कोई प्यार करेगा कोई नहीं करेगा, या घृणा भी कर सकता है, मान अपमान, लाभ हानि, झार जीत आदि, ये कृपा है उनकी। और कैसे दिखाएंगे वो कृपा? वो बार बार उठा रहे हैं, जग जाओ जग जाओ, चेत जाओ। अपमान होता है, दुख आता है, दुख चेतावनी है उनके द्वारा दी गई, कृपावश दी गई कि अब भी चेत जा, तू यहाँ यहाँ आसक्त हुआ हुआ है, यहाँ यहाँ तूने संबंध माने हैं, ये इच्छाएं अभी भी प्रबल हैं तुझ में, ये मान्यताएं तू अभी भी पकड़कर बैठा है, संसार को तू अभी भी इतना सत्य मान रहा है, तभी दुख आ रहा है। चेत जा। ये जो चेताने के लिए उनका प्रयास है वो उनकी कृपा है। और फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ये बात समझने के लिए कि वो चेता रहे हैं, जगा रहे हैं, मन का सूक्ष्म होना, अंतर्मुखी होना
अति आवश्यक है। बहिर्मुखी मन इतना फंसा होता है, इतना उलझा होता है, इतना जड़ होता है कि इसकी खुद पर दृष्टि जा ही नहीं पाती। बाहर के कारणों को ही सुख दुख का कारण मानता रहता है, जंजाल में फंसा रहता है। इसलिए साधना करनी चाहिए, वे कह रहे हैं। साधना क्या है? मन को साधना, बुद्धि को साधना, बुद्धि की जड़ता हटाने के लिए और सूक्ष्मता लाने के लिए प्रयास करना। जो तमस और रजस के बंधन हैं, काल्पनिक बंधन हैं, ये चाहिए और वो नहीं चाहिए, ये जो छोड़ना पकड़ना लगा रहता है, इससे बाहर आना। मन में जो मूवी चल रही है उसके तटस्थ दृष्टा हो जाना, दृष्टा होते ही उसका लोप हो जाना और इसका अभ्यास करना। जब तक मन अंतर्मुखी नहीं होगा, ये बात समझ ही नहीं आएगी कि जीवन का एक एक दिन, एक एक घटना, एक एक परिस्थिति, एक एक व्यक्ति जो हम जिनसे मिल रहे हैं या जो पिछड़ रहे हैं, उसका कोई पर्पस है। ईश्वर चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं। मुक्ति काहे से? लोगों से कहाँ जाएंगे हम? चांद पे जाके रहेंगे क्या? मुक्ति खुद के मन की तानाशाही से, मुक्ति बुद्धि के भ्रमों से। सबसे बड़ा भ्रम तो यही है कि सुख बाहर से आ रहा है, इसलिए हम दौड़ते रहते हैं पागलों की तरह, सारा जीवन निकल जाता है। इस भ्रम का नाश होना और दूसरे संसार की परमात्मा के अलावा कोई सत्ता ही नहीं है, वो ही सब हुए हैं। जो भी अनुभव में आ रहा है वो परमात्मा खुद ही हैं। और वैसे भी देखें कि सारे अनुभव मन में ही घट रहे हैं। जब आप तटस्थ दृष्टा हो जाते हैं तो वे अपना प्रभाव आप पर नहीं छोड़ते। इसी के लिए साधना करनी है। सो साधना करते करते मन सूक्ष्म होता है, तब समझ आता है कि कहीं जाना नहीं, कहीं भागना नहीं, केवल मन बुद्धि से अलग होकर खड़े हो जाना है, अहम से, ममता से अलग हो जाना है। स्वरूप स्वतः ही अनुभव में आ जाएगा। प्रकाश हम खुद ही हैं, उसी समय अनुभव में आ जाएगा। जाना कहाँ है? आज की ये परिस्थिति ही कृपा है, इस पर मनन करें। भगवान हम पर कृपा करें कि हमारे मन बुद्धि अति सूक्ष्म हो जाए, हम उन्हें कभी न भूलें, हम उनके सदा ग्रेटफुल रहें, शुक्रगुजार रहें। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु, हरि ही ओम तत्सत्।